खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी कार्यालय अटल कुंज में गुजरात विधानसभा चुनाव मिली ऐतिहासिक जीत पर जश्न मनाया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी रीवा के सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू ने बताया कि विगत दिनों संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विजय मिली है। गुजरात चुनाव में मिली इस विजय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय अटल कुंज में आतिशबाजी एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व तथा गुजरात एवं केंद्र सरकार द्वारा लगातार राष्ट्रीय हित में किए जा रहे कार्यों की वजह से मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 32 वर्षों से गुजरात प्रदेश में अपनी विकास की यात्रा को चल रही थी उसे अनवरत जारी रखा है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी एवं सकारात्मक सोच तथा राष्ट्र के हित में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम की वजह से गुजरात में लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनी है। पाँच कर आप सही बोला लीजिए आप लोग भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा लगाते रहिए भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के द्वारा गुजरात में लगातार 7वीं बार और 7वीं बार भी ऐसा ऐतिहासिक जीत 158 सीट 182 में से यह सिद्ध करता है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है या उनके कुशल नेतृत्व की जीत है। आज यहाँ पर कार्यालय में क्या किया गया? भारतीय जनता पार्टी जिले भर के कार्यकर्ताओं ने गुजरात जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, पड़ाके फोड़े, जश्न का माहौल है। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।